रीम, यही महामाया का सूचक है। रीम, यही भगवती त्रिपुरा सुंदरी के पंचदशी मंत्र में 3 बार आता है। रीम, यही महाविद्या भगवती भुवनेश्वरी का बीज मंत्र भी है। यही भगवान विष्णु की शक्ति है और यही महादेव की भी। इसी कारण सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में आता है, एम कारी सृष्टि रूपायै रीम कारी प्रतिपालिका। और इस ही कारण तंत्र के ग्रंथों में कहा गया है, रीम इति सर्वशक्ति सर्वधिष्ठान ब्रह्म बोधकम्, अर्थात यही सर्वशक्तिमान है, इसी में संपूर्ण ब्रह्म का रहस्य है, ब्रह्मांड का भी रहस्य इसी में है, इसी में ब्रह्म का भी बोध होता है। परंतु केवल इतना पर्याप्त नहीं है भगवती भुवनेश्वरी को समझने के लिए, हमें रहीम को और अधिक गहराई से समझना होगा। वो बीज मंत्र हो, वो स्तोत्र हो, वो सहस्त्र नाम हो, जब तक हम एक एक अक्षर एक एक शब्द का अर्थ नहीं जान लेते हैं, तब तक जो धारणा बनानी होती है, जिस प्रकार का हमें एक फोकस चाहिए होता है हमारी साधना में, वो नहीं आ पाता है। इसी कारण आवश्यक है कि यदि हम भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान कर रहे हों तो रीम के बारे में हम और अधिक गहराई से जानें। और केवल भगवती भुवनेश्वरी ही नहीं, भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी को भी हमें यदि और अधिक गहराई से समझना हो तो इस बीज मंत्र का ध्यान, इसका जो रहस्य है वो हमें जानना आवश्यक है। और इसी कारण आज के इस वीडियो में हम रीम के बारे में थोड़ा और अधिक गहराई से जानने की, इसे समझने की चेष्टा करेंगे। तंत्र के विभिन्न ग्रंथों में रीम के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। इसके 4 वर्ण हैं, एक है हकार, दूसरा है रकार जिसे हम रेफ भी कहते हैं, फिर आता है इकार और फिर है मकार। और इसके 5 भाग भी हैं, ह र ई म और अंत में है नाद। ये जो नाद है यही जगदम्बा है, यही जगदात्री है। अब हम समझते हैं विस्तार से इसके एक एक वर्ण को। प्रणतोषिणी ग्रंथ के बरद तंत्र में हकार को शिव का सूचक बताया गया है, र प्रकृति है, ई महामाया है, बिंदु ये दुख निवारक है, और जैसे मैंने पहले ही कहा नाद जगदम्बा है। तत्व चिंतामणि में रीम के जो 4 वर्ण हैं उनका विस्तार इस प्रकार से है कि ह जो है ये आकाश तत्व है, इसका जो रंग है वर्ण है वो आकाश जैसा ही है। एक और ग्रंथ स्वरोदय में यानी शिव स्वरोदय में बताया गया है कि इसका आकार बिंदु का है। इसी में ये भी बताया गया है कि हकार का ध्यान करते ही जगत के जितने भी मल हैं वे नष्ट हो जाते हैं, केवल हकार का ध्यान करते ही। तंत्रात्तर ग्रंथ में बताया है कि ह की 3 भुजाएं हैं, इसका वर्ण श्वेत है, माथे पर चंद्रमा है। ह हादि विद्या भी है, यानी हादि विद्या जो है भगवती त्रिपुरा सुंदरी से जुड़ी हुई, जिसमें हादि कादि और सादि विद्या आती है, उसमें जो हादि विद्या है ये भी ह से ही आरंभ होती है। इसमें जिन देवियों या फिर जिन शक्तियों का हम इसमें पूजा करते हैं या फिर इनकी अर्चना करते हैं, इनका ध्यान करते हैं, उसमें शंकराचार्य ने बताया है
आद्याकाली आती है, महाआद्याकाली आती है, बाला त्रिपुरा आती है, बाला सुंदरी आती है, भैरवी आती है, षोडशी आती है। इसी ह के तीन आमनाएं हैं, अर्थात तीन अलग अलग स्तर हैं। एक है दक्षिण, अर्थात ये इसका नीचे का भाग है दक्षिण। ये जो दक्षिण है यही मूलाधार को दर्शाता है। फिर इसका एक अधर भाग है, ये मणिपुर को दर्शाता है। और इसका जो ऊर्ध्व भाग है ये आज्ञा चक्र को दर्शाता है। ह की जो शक्ति है ये वासना को हरती है। ह इसमें इतनी शक्ति है कि ये जगत का संहार कर सकती है। माहेश्वर सूत्र में बताया है कि यही सूर्य है। जो माहेश्वर तंत्र में जो 14 जो ध्वनियां आई थी उसमें से हयवरट ह से ही आरंभ होता है। हठ योग में भी ह पिंगला है और ठ इड़ा है। अब चूंकि यही पिंगला है इसी कारण यही सूर्य का भी बोध कराता है। योग में भी बताया है कि यही जो प्राण वायु है उसके माध्यम से हम जो मंत्र अनायास ही निरंतर जपते रहते हैं जो है हंस, इसमें ह जो है ये पुरुष का सूचक है, यही सूर्य और सोम भी है। और जो स है ये प्रकृति है। पंचदशी मंत्र में यही माया का भी प्रतीक है। तीन बार जो रीम पंचदशी मंत्र में आता है वो विभिन्न चक्रों को सूचित करता है। जैसे मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं दक्षिणाकाली। यही पंचदशी में अनाहत से स्वाधिष्ठान तक को भी दर्शाता है। और इस ही की देवी हैं, अर्थात स्वाधिष्ठान की देवी हैं देवी भगवती भुवनेश्वरी। आज्ञा चक्र से सहस्त्रार तक की जो देवी हैं वही भगवती त्रिपुरा सुंदरी, यही षोडशी हैं। ह जो है यही परावाक भी है जो मूलाधार से उत्पन्न होता है। ह की इतनी सारी व्याख्याएं अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग मंत्रों में, योग में, इन सभी में जो ह की व्याख्या है, ह का विस्तार है, उसे सुन करके समझ करके हम ये जान सकते हैं कि रीम के अंदर कितनी शक्ति है। रीम को ब्रह्ममय क्यों बताया गया है, रीम को ब्रह्म का बोध कराने वाला बीज मंत्र क्यों कहा गया है। अब हम बात करते हैं अगले वर्ण की जो है र। ये जो रकार है ये अग्नि का सूचक है। वेदों में अग्नि को ही रुद्र भी कहा गया है। अब चूंकि ये अग्नि है इसी कारण इसका जो एक रूप है वो जो समझा गया है वो ये कि ये लाल वस्त्र पहनता है। इसकी तीन लाल आंखें हैं, 7 जिह्वा है, 4 हाथ हैं और 4 ही मुख भी हैं। इसका वाहन मेष है, यानी आप समझ सकते हैं कि यही सारी बातें अग्नि के लिए भी आती हैं और यही र है। भगवान शिव का जो 6ठा मुख है जो कालाग्नि है उसके तेज से ये युक्त है और इसी कारण दुष्टों का नाश करता है रकार। इसी रकार की जो शक्ति है उसका नाम है रोचिका। रोचिका के बारे में कहा गया है कि इसका वर्ण श्याम है, यह रक्त वस्त्र पहनती है, सिंहारूढ़ा है, इसके 5 मुख हैं और 8 भुजाएं हैं। इसी अग्नि, ये जो रकार है इसी अग्नि
की 10 कलाएं हैं और इन्हीं सभी 10 कलाओं की 10 शक्तियां भी हैं जो सृष्टि, रिद्धि, मेधा, कांति आदि को दर्शाती हैं। इसका स्थान कहाँ है? र का स्थान कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुर की अधिष्ठात्री देवी जो हैं, जैसे पहले भी कहा है, वो दक्षिणा काली है। यही मणिपुर समान वायु को भी दर्शाता है। जैसे ह प्राण वायु को दर्शाता है, र समान वायु को दर्शाता है और यही पोषण क्रिया भी करवाता है। आग्नेय कोण में जो अधोमुख मणिपुर है उसकी देवी महालक्ष्मी को भी यही रकार दर्शाता है। इसी मणिपुर में भैरव भी रहते हैं अपनी समस्त शक्तियों के साथ। पुनः हम यहां पर समझ सकते हैं कि जो र है उसके बारे में क्या क्या बताया गया है। भैरव, महालक्ष्मी, दक्षिणा काली, अग्नि, इन सभी को जो दर्शाता है वो है र। हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित है ये भी हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने अपने ग्रंथों में बताया है। ह र, ये रीम के 2 वर्ण आते हैं। इस ही में हम सभी देवताओं को, उनकी समस्त शक्तियों को, कलाओं को भी समझ सकते हैं। फिर आता है ई, यानी इकार। इकार शक्ति रूपा है, इसका रंग लाल है और जो इसका आकार है वो त्रिकोण है। यही शिव शक्ति का एकात्म रूप भी है। यही सर्वव्यापक है, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड शक्ति से ही बना है। शक्ति का ही ये एक प्रकार का रूप है, इसी कारण ये सर्वव्यापक है। ईश्वरी शक्ति भी इकार है। यही इस संपूर्ण जगत का नियंता भी है। यही ई आत्मा को प्रकाश देता है। यही ई क्रियात्मक है, क्योंकि ये स्वाधिष्ठान में स्थित है, ये क्रियात्मक है। स्वाधिष्ठान की अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी है, इसी कारण स्वाधिष्ठान को सृष्टि चक्र भी कहते हैं। और चूंकि यही सृष्टि चक्र है, इसके अधिनायक स्वयं भगवान विष्णु हैं। इसी स्वाधिष्ठान की जो शक्तियां हैं वो तारिणी है, कुब्जिका है, सरस्वती है, चामुंडा है, महात्रिपुरा सुंदरी भी है। फिर आता है मकार। ये सूर्य का सूचक है, साथ ही साथ आकाश तत्व को भी दर्शाता है। ये अश्व पर आरूढ़ है, स्फटिक रंग है। इसकी शक्ति श्यामला देवी है। परंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका स्थान कहाँ है। इसका स्थान सहस्त्रार में है, जहाँ पर याकिनी कामेश के साथ योग में स्थित है। महाकाली, लक्ष्मी और सरस्वती, अर्थात महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती एकात्म होकर के चामुंडा का रूप लेकर सहस्त्रार में स्थित हैं और उन्हीं की शक्ति को मकार दर्शाता है। हकार से मकार तक संपूर्ण विश्व जिसमें समाहित है वही रीम है। और यही रीम भगवती भुवनेश्वरी का बीज मंत्र होने के कारण अपने आप में ही सर्वशक्तिमान है, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। कुंडलिनी को जो ऊपर की ओर उठाता है वो जो शक्ति है वही रीम में भी है। इसी कारण कहा गया है कि रीम पर ध्यान केंद्रित करने से आपकी कुंडलिनी जागृत होती है।
इसी कारण कहा गया है कि रहीम पर ध्यान करने से भगवती भुवनेश्वरी प्रसन्न होती हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। भुवनेश्वरी तीनों भुवनों की देवी है। भुवनेश्वरी यही राज राजेश्वरी भी कही जाती हैं, और राज राजेश्वरी जो है ये भगवती त्रिपुरा सुंदरी का एक और नाम आता है। महाविद्या के क्रम में काली तारा के बाद जो तीसरी महाविद्या आती हैं भगवती त्रिपुरा सुंदरी, उनके बाद भुवनेश्वरी आती हैं, अर्थात जो भगवती त्रिपुरा सुंदरी ने अपनी शक्ति से जिस सृष्टि का एक रूप रचा है उसमें त्रिभुवन को रच करके भुवनेश्वरी जगत का पालन करती हैं। भगवती भुवनेश्वरी ही ललिता त्रिपुरा सुंदरी हैं, बस इन्होंने अपना रूप बदला है अपने कार्य को समझते हुए। सभी देवियां सभी शक्तियां एक ही है, रूप अनेक है। जैसा साधक का विचार होगा, जैसा साधक का भाव होगा, वैसी ही ये शक्ति भी अपना रूप लेकर के आपके सामने आएगी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी सुंदर लगी होगी, लाभप्रद लगी होगी, क्योंकि अब अगली बार जब भी आप भगवती त्रिपुरा सुंदरी का पंचदशी मंत्र का ध्यान करेंगे, या फिर देवी का ही ध्यान करेंगे, या फिर भगवती भुवनेश्वरी के बीज मंत्र की साधना करेंगे, आपको इन सभी बातों का स्मरण रहेगा। दक्षिणकाली, अग्नि, विष्णु, शिव, सभी कलाएं अग्नि की, समस्त शक्तियां अग्नि की, सूर्य, सोम, इन सभी का जब आप स्मरण करेंगे तब अपने आप में ही आपके भीतर वो भाव आएगा जिससे कि आप देवी भुवनेश्वरी के समीप स्वयं को पा सकेंगे। यही जगदात्री है। इसके साथ मैं अब आप सभी से विनती करता हूं कि यदि आपको ये वीडियो सुंदर लगा हो तो कृपया करके इसे लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जा करके जो पहला कमेंट पिंड है वहां से पेटीएम जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।